सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ डोनल गेमिंग। कैसी है पब्लिक? तो आज हमारे एक वीडियो कंटेंट के ऊपर बात होने वाला है। एक हमारा गेम प्ले था जिसमें हमने कुछ ऐसे खास स्किल्स तो नहीं किए थे, बट गेम प्ले बहुत स्पेशल इसलिए बना बिकॉज हमने किया है इस गेम के अंदर टीम रेस्क्यू। जी हाँ दोस्तों, टीम को रेस्क्यू। तो अब टीम रेस्क्यू मतलब समझ लो, अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हो और आपके फ्रेंड्स आपसे दूर कहीं छूट जाते हैं या आप उनसे दूर हो जाते हो और कुछ ही देर में आपको आवाज़ आती है कि आपके फ्रेंड्स आपको हेल्प के लिए चिल्ला रहे होते हैं कि भाई हेल्प कर हेल्प कर, या उनको आपको पता चलता है कि आपके फ्रेंड्स मुसीबत में और आप कहीं दूर से उनके पास जाते हो और उनको बचाते हो, तो वो रेस्क्यू के बाद आपके फ्रेंड्स सही में आपको प्रो प्लेयर मानेंगे, राइट? तो उसी तरह का एक इवेंट हमारे साथ हुआ था, उसी तरह का गेम प्ले हमारे साथ हुआ था जिसमें हम जाते हमारी टीम को रेस्क्यू करने के लिए। तो देखिए और बताइए आपको कैसा लगा, कमेंट्स कीजिएगा जरूर। अब वहाँ से हम चलते हैं मिल्टा पावर के जो टाउनशिप होता है वो साइड, तो ओ भाई चल क्योंकि हमारे बढ़िया पेट्रोल खत्म हो चल जाता है, ठीक बढ़िया है, और हमारे पास कैंस नहीं होते, तो हम लोग सोचते हैं कि भी यहाँ से पहले हम गाड़ी चेंज करें या तो फिर यहाँ पे अगर बंदे होंगे तो फाइट लेंगे। और क्या हो उतने गया। में ओ मुझे छोड़ी गाड़ी छोड़ी मैं दिखती उतार है, दिया। मैं उनको एनिमीज इशारा अहेड करता हूँ गाड़ी की ये तरफ। कर रहा है वीर एनिमीज अहेड एनिमीज अहेड हां गाड़ी पे उड़ है यू एनिमी द हेड कर रहा है गाड़ी टाड़े वाली क्या है ये तो कौन भाई, जा रहे मतलब हैं इतना पार हो रहा है। अरे चिड़िया ऑलरेडी बंदे थे और जो कैंपिंग कर रहे थे और वो हमको बेलना शुरू कर देते। नॉक पर ये हो चुके वाह हमारे एक और प्लेयर नॉक, बड़ी सिर्फ एक ही बंदा बाकी रहा हमारे गेम का। अरे तुम सारे खत्म हो लिए मैं जल्दी बता मैंने बता बोला आई एम रियली सॉरी। अब ये बंदा मुकर रेस्क्यू करने की जगह जल्दी बता मतलब ले मैंने बता रिवाइव दिया करने की था जगह वही लूटने पे लगा था, तो गाड़ी गालियां दी मैंने बराबर की। और हम फटाफट से रेस्क्यू होते हैं, हम फटाफट से एक दूसरे को रिवाइव करते हैं और कुछ यहाँ पे लूट मचा के फिर हम लोग आगे बढ़ने का प्लान करते हैं। तो धीरे धीरे अंधेरा हो गया है, तो अब होगा नाइट मोड शुरू। वो पड़ा है तो एंटी हम यहाँ पे लूट रहे थे सब, पर उतने में हमारा मोबाइल होता है क्रैश, हमारे एप्लीकेशंस वगैरह डिलीट करते जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है, तो उसके अंदर थोड़ा एप्लीकेशंस फ्री हो जाए और फटाफट से हम गेम को लॉग इन करके फिर हम चलते हैं गेम के अंदर। और आप सुनिए, खुद आएगा दुश्मन पागल है तू ले बैंड तो ले ले लिया मेरे को अब ले लेगा भर देगा मेरे को चार बार दिया चूती मैं इम्प्रेसिव नीचे कूद गया रिवाइव दे दी ले बैंड क्यों कूदा क्यों कूदा भाई क्यों कूदा तेरे गांड मरा लेता हूँ क्यों कूदा भाई तो खुद ना के लोग हो गया तो नोक की तो ऐसा तेरी गेंद पे गोली मारूंगा भाण चोदी दिमाग की जब भी तू गाड़ी चला मैंने ये नाटक हो वही है तेरे बहन तो नोक करवा दे तू फिर कह रहा माइनस ना लगी खुद बहन चो माइनस ना था ये देख के मेरे को पता चला कि मेरे बंदे हो चुके हैं मुसीबत में, ये लोग थे थोड़े मुसीबत में, तो मैं चलता हूँ उनकी तरफ रेस्क्यू के लिए। आप देखिए ये थोड़ा ओपी सीन है। यहाँ से गन्स की आवाज़ आ रही है, गोलियों की आवाज़ आ रही है, तो इसलिए हम लोग रुक जाते हैं और यहीं से स्कोप करके देखेंगे पहले कि कोई है कितना दूर है। तो एक बंदा मुझे यही दिख जाता है। नंबर वन जो मर गया होता है बैठो एक गाड़ी मार मार चार नंबर बैठो वो तारीफें करता है आपको हमारी। बैठ जा यार क्या कर रहा है सुन सकते हो जो तारीफें हो रही है पीछे से।
अकेला बचाओ, दोनों को पकड़ दिए इसने। ठीक है हाँ, अकेला बचाओ, तीसरा भी नॉक कर देगा दिख रहा। अब ये सुन के हम थोड़े हो जाते हैं फॉर्म में, हम सोचते कि इसको तो मारना ही है, तो बस में लग जाता हूँ इसको मारने के लिए। अब ये मेरी हो गई गलती कि मैं ओपन में आके पी करना चाहिए था, बट मैं ओपन में आके मार रहा था। पिट्टी के आगे नेट कर, नेट कर उड़े। यूरा यूरा असली सिचुएशंस यहाँ से शुरू होने वाली, बिकॉज हम यहाँ पे मुसीबत में पड़ने वाले हैं, क्योंकि ये जगह एक्सपोज हो चुकी है। मैं जाता हूँ दो नंबर के पास और वो बंदा होता है नॉक। फिर अब बचा एक नंबर, सॉरी तीन नंबर, तो मैं जाता हूँ उसके पास। तीन नंबर के पास जाता हूँ, वो अच्छी चीज़ है कि उसने मुझे रिवाइव करना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही मैं यहाँ पे अपने आप को रिवाइव करवा लेता हूँ, मैं सबसे पहले जाता हूँ दो नंबर के पास और उसको रिवाइव करता हूँ। देखिए क्योंकि अंधेरा है इसलिए बहुत अच्छी चीज़ है कि हमको एक कवर मिल रहा है। और फिर मैं अपने आप को बैंडेज लगाना स्टार्ट करता हूँ, तो मुझे आवाज़ आती है गोलियों की, स्नाइपिंग कर रहे हैं लोग हमारे ऊपर। तो ये हो गई हमारे लिए एक मुश्किल घड़ी गिनती। और उतने में सामने से एक बंदा आ रहा होता है, तो मैं उसको नॉक करने का ट्राई करता हूँ। पीछे से मारे क्या, उतरते ही बैठा। अरे ये स्टूअर बना पड़ा लेटा हुआ है नीचे यार। तो अब हो गया है कि कुछ लोग स्नाइपिंग कर रहे हैं, एक बंदा ब्रिज पे है और एक बंदा मेरे सामने है। तो ये हो गया बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वाला प्रॉब्लम। तो मैं सबसे पहले अपना आपको पूरा हील करता हूँ, क्योंकि इस तरीके से मैं मारने नहीं जा सकता। तो सबसे पहले पूरा हील होना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। ठीक है, आप देख सकते हो अंधेरा है इसलिए काफ़ी अच्छा है, वरना तो लोग हमारा मुर्दा बना देते थे यहाँ पे। अब धीरे धीरे रात ख़त्म हो रही है, रात सुबह में कन्वर्ट हो रही है और ये आ गया जोन, तो हम लोग भागना शुरू करते हैं। जैसे ही दो नंबर नॉक होता है मैं नीचे कूद जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऊपर से भागना मुसीबत होने वाला था। तो अब मैं सोचता हूँ नीचे से जाने का, और उतने में एक और सीन होता है मेरे साथ। वो बंदा लेफ्ट में आके मुझे मारने का ट्राई करता है, तो मैं सबसे पहले कवर लेता हूँ पत्थर का। तो वो बंदा कुछ ज़्यादा ही फॉर्म में होता है, इसलिए कुछ वो ज़्यादा ओपन मारने का ट्राई कर रहा है वो भी। तो जैसे ही वो ओपन में आता है, हम लोग पूरा स्प्रे मार के उसको नॉकआउट कर देते हैं। अब यहाँ हमारा हो जाता है कॉन्फिडेंस थोड़ा और बूस्ट अप, तो हम लोग फटाफट से जोन के बाहर जाते हैं। अब यहाँ पे पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। ठीक है, पहले देखिए तीन नंबर जो मेरे साथ था, वो बोट पकड़ के बंदा आगे निकल जाता है, कहीं आगे यहाँ पे रुकता ही नहीं है। मुझे भी जाना चाहिए था, बट मैं पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया, मैं रुक गया यहाँ पे। ठीक है, और मैं यहाँ पे बंदों को पेलने का ट्राई कर रहा हूँ दूर से, वो भी UMP-45 से, राइट। और ये एक और बंदा आके मुझे गोलियाँ मारता है। अब मैं पूरा स्प्रे मारता हूँ अंधाधुन, और वो बंदा आके नॉक मारता है सिर्फ जब मैं रिलोड करता हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। चलिए गाइज, आप बने रहिए वीडियोस के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन दबा के रखिए, तो नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी जल्द से जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।